इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा LDC एग्जाम जिसकी परीक्षा का आयोजन आपके 11 अगस्त को किया जा रहा है। तो इस एग्जाम के लिए डिस्ट्रिक्ट लोकेशन और एडमिट कार्ड आपके कब तक जारी होंगे और जारी होने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कैसे चेक करनी है उसके बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल से आपको इस यूट्यूब चैनल पर LDC एग्जाम से रिलेटेड राजस्थान GK के क्वेश्चन, वे क्वेश्चन जो कि आपके अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं, उन सबकी चर्चा इस यूट्यूब चैनल पर की जाएगी और उनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब मैं बात करता हूं आपके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन और एडमिट कार्ड कब जारी होंगे। जैसा कि आपने नोट किया या नहीं किया हो मैं आपको बता देता हूं, जिस तरह से RPSC क्या करती थी, 2022 से शुरू किया था RPSC ने कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी की जाएगी और उसके बाद एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि आपका एग्जाम कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, उस डिस्ट्रिक्ट में अंदर किस कॉलेज में है या किस स्कूल में है, वो आपको एडमिट कार्ड में शो होगा। ठीक इसी तरह अब अधीनस्थ बोर्ड ने भी ये शुरू कर दिया। पहले अधीनस्थ बोर्ड क्या सीधे डायरेक्ट एडमिट कार्ड ही निकालता था, लेकिन अब लास्ट के दो एग्जाम से अधीनस्थ बोर्ड ने भी शुरू कर दिया, पहले डिस्ट्रिक्ट लोकेशन और उसके बाद है वो एडमिट कार्ड जारी करेंगे। तो अब मैं बात करूंगा LDC एग्जाम का डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कब तक जारी होगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा, क्योंकि लास्ट के जो दो एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है उनमें उन्होंने कितना गैप दिया है और कैसे उन्होंने सेंड किया है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कैसे चेक करना है आपको, उसके बारे में भी बात करूंगा और एडमिट कार्ड में भी उन्होंने एग्जाम से पहले कितना गैप दिया उसके बारे में बताऊंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा और उसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि LDC एग्जाम के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन और एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर आपको नोट शो हो रहे हैं, ये आपके प्रवेशक महिला सीधी भर्ती परीक्षा है। इस परीक्षा का आयोजन 13 जुलाई 2024 को किया गया था। अब इसके लिए आप देख सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर एक में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र हेतु आवंटित जिला या शहर की सूचना दिनांक 5 जुलाई 2024 को साय 7 बजे से SSO ID से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एग्जाम 13 जुलाई को था और इसका जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो आपके 5 जुलाई को जारी की गई थी, यानी कि एग्जाम से कितने दिन पहले, 8 दिन पहले, एग्जाम से 8 दिन पहले इसकी जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो जारी की गई थी और 5 जुलाई को आपका फ्राइडे था। क्या था? फ्राइडे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में भी, उसके पीछे भी रीजन है, वो आगे आपको पता चल जाएगा। तो फ्राइडे को इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी किया था एग्जाम डेट से 8 दिन पहले और एडमिट कार्ड को लेकर इन्होंने लिखा था के बोर्ड द्वारा अलग से ई प्रवेश पत्र घोषित नहीं किए जाएंगे, उक्त परीक्षाओं के ई प्रवेश पत्र दिनांक 10 जुलाई को साय 6 बजे से SSO ID से देख सकते हैं। यानी कि एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 3 दिन पहले, 13 को एग्जाम है और 10 को एडमिट कार्ड, और 8 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट लोकेशन यानी कि 5 जुलाई को, जबकि 5 जुलाई को था फ्राइडे। यानी कि एडमिट कार्ड तो आपके एग्जाम डेट से 3 दिन पहले जारी कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो आपके 8 दिन पहले जारी कर रहे हैं और जिस दिन आपका फ्राइडे था। अब नेक्स्ट एग्जाम पे आता हूँ, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एक और परीक्षा का आयोजन जिसमें डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, यानी कि अभी तक अधीनस्थ बोर्ड ने दो ही एग्जाम ऐसे करवाए जिसमें पहले डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी करते हैं और उसके बाद प्रवेश पत्र जारी करते हैं। तो आप देख सकते हैं छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 इस परीक्षा का आयोजन अभी आपके 28 जुलाई को किया जाएगा। तो इसके लिए जो आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लोकेशन यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र हेतु आवंटित जिला या शहर की सूचना 19 जुलाई को साय 6 बजे से SSO ID से प्राप्त करें। अब 19 जुलाई यानी कि एग्जाम डेट से 9 दिन पहले, जो अभी मैंने पहले बताया वो 8 दिन पहले और ये 9 दिन पहले, लेकिन 19 जुलाई को भी आप नोट कर लीजिए आपका फ्राइडे है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन ये एग्जाम डेट से 7-8 दिन पहले जो फ्राइडे आता है उसमें जारी कर रहे हैं। और एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 दिन पहले ही जारी किया जाएगा, जैसे कि ये देख सकते हैं दिनांक 25 जुलाई को साय 6 बजे आप अपने प्रवेश पत्र जो है वो बोर्ड की वेबसाइट या फिर SSO ID से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यानी कि एडमिट कार्ड इनका फिक्स है कि एग्जाम डेट से 3 दिन पहले जारी करेंगे और SSO ID पर आप डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो एग्जाम डेट से 8-9 दिन पहले, जब भी फ्राइडे होगा उस दिन जारी किए जा रहे हैं। अभी तक दो एग्जामों में ऐसे ही किया। इसी आधार पर LDC एग्जाम का देखा जाए
उसके बाद मैं बात करूंगा कि आप एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कैसे चेक कर सकते हो, वो भी आगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह LDC एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। तो अब LDC एग्जाम की बात करें तो इस परीक्षा का आयोजन आपके 11 अगस्त को किया जा रहा है और एडमिट कार्ड मैंने जैसा कहा 8-9 दिन पहले जारी किया जा रहा है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपके 8-9 दिन पहले जारी किया जा रहा है। तो 11 तारीख को एग्जाम है और इससे 8-9 दिन पहले फ्राइडे आपको आता है 2 अगस्त को। यानी कि अगर अभी तक दो एग्जाम के जिस आधार पर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी किए हैं उसी आधार पर अगर LDC की करें तो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपको 2 अगस्त को देखने को मिलेगी और इसके जो एडमिट कार्ड है आपके वो आपको एग्जाम डेट से 3 दिन पहले देखने को मिलेगी। यानी कि 8 अगस्त को आपको इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी देखने को मिलेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में तो सिर्फ आपको यही बताया जाएगा कि आपके परीक्षा है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉलेज या स्कूल का नाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में नहीं बताया जाएगा, वो आपको एडमिट कार्ड में बताया जाएगा कि कौन से कॉलेज में है या कौन से स्कूल में आपका सेंटर आया है। और आपको एग्जाम हॉल में भी उस एडमिट कार्ड का प्रिंट निकाल कर एग्जाम हॉल में लेके जाना, न कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन को। अब आप एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जब जारी होगी 2 अगस्त को तो कैसे चेक करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या गूगल पर सर्च करना होगा SSO ID। जब आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने ये लिंक आएगा, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से नया पेज कुछ इस तरह से SSO ID का ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले आपको SSO ID लिखनी है, उसके बाद पासवर्ड लिखने हैं और उसके बाद कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड ध्यान रखें, जैसे कि यहाँ 248842 है तो जो लिखा हुआ वही कैप्चा कोड डालना है, अगर गलत डाला तो आपके एरर आएगी और उसके बाद आपको लॉगिन कर देना। अगर आप किसी कारणवश पासवर्ड या SSO ID भूल गए हो तो आप जब स्क्रॉल करोगे तो I forgot my SSO ID, I forgot my password के आगे क्लिक हेयर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड और SSO ID प्राप्त कर सकते हो। जैसे ही लॉगिन करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिक्रूटमेंट पोर्टल, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जब रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करोगे तो आपके नोटिफिकेशन में आएगा, जैसे कि अभी जो शो हो रहा है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट यानी कि छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड का एग्जाम की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो 19 तारीख को जारी की थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्लिक हेयर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024। ठीक इसी तरह जब 2 तारीख को आपके अगस्त को LDC एग्जाम की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आएगी तो उसमें भी आपको शो होगा क्लिक हेयर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन LDC एग्जाम 2024। तब आप उस लिंक पर क्लिक करना होगा, जैसे कि अभी ये लिंक दे रखा है ठीक इसी तरह आपको भी LDC एग्जाम का लिंक दे रखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से नया पेज ओपन होगा जिसमें नो योर सेंटर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन लिखा हुआ होगा। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि एप्लीकेशन नंबर, अब एप्लीकेशन नंबर आप कहाँ से प्राप्त करोगे, तो एप्लीकेशन नंबर आपके पास अगर नहीं है या आप जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया वो कहीं गुम हो गया हो, PDF नहीं मिल रही हो, तो कोई बात नहीं, आप वापस SSO ID पर जब जाओगे तो यहाँ माई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दे रखा है, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो इस पर आपने आज तक जितने भी फॉर्म भरे हैं वो सब की लिस्ट आ जाएगी और उस लिस्ट में LDC के सामने एप्लीकेशन ओपन या एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन है वो देख सकते हैं और एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, यहाँ कैलेंडर पर क्लिक करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दें। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा कोड डालना है, ध्यान रखें कैप्चा कोड में नंबर गलत नहीं होने चाहिए, जैसे कि यहाँ 9538588 है ठीक इसी तरह आपको भी कैप्चा कोड जो नंबर दे रखे हैं वही लिखने हैं। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है, सबमिट करने के बाद आपको एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन दिखाई देगी। मैं फिर से बता देता हूँ, आपको एग्जाम हॉल में एडमिट कार्ड लेके जाना है, न कि एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन। एडमिट कार्ड आपके 3 दिन पहले जारी होंगे एग्जाम डेट से, यानी कि आपके 8 अगस्त को एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएंगे और उसी में आपको बताया जाएगा कि आपका एग्जाम है वो कौन से स्कूल या कॉलेज में है। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में सिर्फ आपको जिले की जानकारी दी जाएगी कि कौन से जिले में आपका एग्जाम है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बाकी कल से आपको इस यूट्यूब चैनल पर LDC एग्जाम के लिए राजस्थान GK के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं। जैसे कि कल मैं ये क्लास ले आ चुका हूँ जिसमें आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2024 में जितने भी राजस्थान GK के क्वेश्चन पूछे हैं, पहले चरण में 7 एग्जाम आयोजित हुए थे, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, ANM, GNM, CHO, संगणक
और कृषि पर्यवेक्षक। इन एग्जाम में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन बने हैं वो सबकी मैराथन क्लास में लाया था। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। और ऐसे ही आपको LDC एग्जाम से जुड़ी भी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा लास्ट ईयर उससे भी पहले यानी कि 10 सालों में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे वो देखने को मिलेंगे। क्योंकि एग्जाम में आप देख लो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो राजस्थान जीके के क्वेश्चन, अधिकतर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।